मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित मैगी पॉइंट्स पर जिला प्रशासन द्वारा जारी नोटिस और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के बाद नगर निगम देहरादून द्वारा प्रभावितों को विस्थापित करने के लिए भूमि का आवंटन किया गया है। ये जमीन देहरादून नगर निगम द्वारा मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के पास वेंडिंग जोन के तौर पर चिन्हित की गई है, जिसका मेयर सुनील उनियाल गामा ने विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया। इस अवसर पर पार्षद सुशांत वोरा और सुंदर सिंह कोठाल ने इस पहल का स्वागत किया। हमारे जो नगर निगम क्षेत्र में जो लोग जो है वर्षों से यहाँ पर अपना रोजगार कर रहे थे, छोटे छोटे जो है खोखे लगाकर, ठेली लगाकर, और जो यहीं के लोग हैं वर्षों से जो है वो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, और आज जो है लगातार उनको जो है प्रशासन के द्वारा उनको नोटिस दिया जा रहा था, तो उसका समाधान जो है हमने यहाँ पर वेंडिंग जोन बनाकर जितने हमारे ये नगर निगम क्षेत्र में जो चिन्हित लोग हैं वो आएंगे, उनको यहाँ वेंडिंग जोन में स्थान देंगे ताकि उनका रोज़गार भी चल सके। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार वेंडिंग जोन के माध्यम से भी मिलना चाहिए, तो उस कड़ी में नगर निगम जो है ये वेंडिंग जोन बना रहा है, और वेंडिंग जोन से यहीं के लोगों को जो है इसमें इनको स्थापित किया जाएगा। बता दें कि मैगी पॉइंट पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए गए थे। वहीं हाल में देहरादून से मसूरी तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया था, जिसमें कई लोगों पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा था, जिसके बाद नगर निगम ने स्थानीय लोगों को राहत देते हुए वेंडर जोन बनाने का फैसला लिया। उम्मीद की जा रही है कि वेंडिंग जोन 6 महीने के भीतर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद प्रभावितों को दुकानें आवंटित की जाएंगी। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट।